मित्रों जी, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हूं मोनू ठाकुर, आप लोग देख रहे हैं मोनू ऑन रोड्स। तो आज है संडे 7 तारीख। तो आज मैं निकल रहा हूं नए राइड पे, यहां से बनारस, अपने लोकेशन सालवे से बनारस। बोले तो बारी आपको, यहां भी जाने का सपना है, कब पूरा होगा पता नहीं, लेकिन जाऊँगा जरूर एक दिन। फाइनली फ्यूल डन, ऑल सेट टू गो बनारस। क्या करमजीत सिंह जी, इसको हम जला दे, ठीक है, जला दे इसको, तेरा मर्जी। ठीक है ना, चलेगा ना आगे, ठीक है। तो भाई हम लोग पहुंच चुके हैं डोभी, ये अपना पार्टनर और ये अपना बाइक। तो यहाँ पर चाय पिएंगे उसको, यहाँ से फिर सीधे चला जाएगा वाराणसी की तरफ। 226 यहाँ पे 226 है, मतलब मैक्सिमम 4 से 5 घंटे, इससे ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। सुंदर से लोकेशन पर रुके हुए हैं, यहाँ से मात्र 150 किलोमीटर बचा हुआ है, अभी लगभग डेहरी ऑनसन के आसपास हैं। ये आपका 4 लाइन, और इधर में भाई अपना खाना का तैयारी कर रहा है। करमजीत निकाल भाई, निकाल माँ के हाथ का खाना। ये है भाई माँ के हाथ का पूड़ी और भुजिया, काफ़ी टेस्टी होगा मालूम है आपको। अब यहाँ से खाना खाते हैं, उसके बाद सीधा 150 किलोमीटर मारा जाएगा, तो बीच में हो सकता है रुकेंगे कहीं।
है ब्यूटी और ये है दिखाने वाले भैया हमारे धीरज भैया। आइए इधर देखिए, इधर इधर दिखाइए ऊपर। अच्छा ये पूरा खुलेगा तो उधर तो बाढ़ आ जाएगा धीरज भैया। पूरा बाढ़ आता है, बहुत भयानक बरसात के दिन में आप कभी आइएगा ना, आपको नज़ारा देखने को मिलेगा। टिहरी बोनसन वैसे भी घूमने का बहुत अच्छा जगह है, और ये सब देखने के बाद लग रहा है कि हम कितना पीछे थे टिहरी बोनसन से, मालूम ही नहीं था धीरज भाई ऐसा जगह है। और ये तो खैर और ख़तरनाक है, ये है खूबसूरती। उधर अपना रुद्रा मस्त, आप इसमें बोल रहे बरसा के टाइम में टाइम निकाल दे, एक दो दिन रहिएगा टिहरी में। हाँ पूरा पूरा घुमा जाएगा, नहीं पूरा घुमा देंगे आपको। और क्या अभी कहिएगा क्या जगह है थे ना धीरज भैया, नहीं है खूबसूरत तो है, इसमें कोई शक नहीं धीरज भैया। जिनको भी पता हो भाई ये जरूर बता देना कि भाई ये भैंस पहुंचा कैसे वहां पे, चारों तरफ से तो बंद है, इधर भी पानी उधर भी पानी, बीच में भैंस चल रहा है, पहुंचा कैसे ये तो मिस्ट्री होगी। मिलते हैं फिर, ठीक है भैया मिलते हैं। अब निकलता आगे सामने फोर लाइन, वहां से सीधे वाराणसी, क्या धीरज भाई ठीक है 145 किलोमीटर। हाँ पहाड़ और बगल में माता जी का मंदिर ताराचंद माता। ये हम लोग का रूम है जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में, पता नहीं रात क्या क्या माहौल है क्या करम जी। तो फाइनली पहुंच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन बोले तो वाराणसी, अभी चले गंगा आरती में, गंगा आरती देख के फिर कल सुबह जाएंगे नहाने गंगा क्या। जितना पाप है करम जी सब धो लेगा, वैसे हम तो किए नहीं है। तुम्हें धोएगा जी, हम तो किए नहीं है पाप, हम पियो एकदम शरीफ बच्चा। आज करम जी तो अपना दाढ़ी कटवाएगा। ये हो गया हम लोग का रूम तक का सफर, अब आगे हम लोग चलते हैं मंदिर की तरफ, देखते हैं गंगा आरती का प्लानिंग है, पहुंच पाएंगे टाइम पर तो ठीक है, नहीं तो कल देख लिया जाएगा। अब दिखाते हैं आप लोगों को रोड, अरे रोड तो होगी, अब दिखाते हैं मंदिर वगैरह। इस वीडियो को यहीं एंडिंग करते हैं, मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट पार्ट में, इसका ये पार्ट वन हो गया, अब नेक्स्ट पार्ट बनाते हैं आज से, मतलब अभी से शुरू करते हैं ठीक है।